दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत वाले क्षेत्र में एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे यहाँ से कोई हवाई जहाज गुजर रहा हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि अगर इस आवाज को ध्यान से सुना जाए तो यह किसी डमरू या फिर ओम की आवाज जैसी सुनाई देती है। सुबह के 2:30 बजे से 3:45 के आसपास कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में कई तरह की तीव्र अलौकिक गतिविधियाँ होती हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है। ये सारी क्रियाएं यहाँ 3:45 तक समाप्त हो जाती है, अर्थात जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह 3:40 और 3:45 के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह वही समय होता है जब हमें सोकर उठ जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस झील में हर साल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वह स्वयं ही इस अलौकिक माहौल का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यह प्रतिमा पक्षीराज जटायु की है, जो पूरी दुनिया में पक्षियों पर बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। पहाड़ पर बनी यह प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि यह प्रतिमा ठीक उसी जगह स्थापित है जब त्रेता युग में रावण ने इनके पंख काटे और ये मरणासन्न स्थिति में पहुंचकर इसी जगह गिरे थे। यह केरल के कोल्लम जिले के चदियामंगलम गांव में जटायु नेचर पार्क नाम से स्थित है। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब आप कई बार घूमने जाते हैं तो आपने सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों पर ये पट्टियाँ क्यों बनाई जाती हैं? बड़ी मज़ेदार जानकारी देंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर सफ़ेद व लाल रंग की पट्टियाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में या धुंध के समय वाहन चालक को सड़क के किनारे साफ दिखाई नहीं देता है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। सफ़ेद पट्टी रात के अंधेरे में दूर से ही साफ दिखाई दे जाती है और चालक सावधान हो जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, मन के विकार दूर होते हैं और चित्त शांत रहता है, जिसका अर्थ स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल और सायंकाल मनुष्य को जितनी देर हो सके मौन अवश्य रखना चाहिए। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने के पश्चात महर्षि व्यास ने गणेश जी से लेखन कार्य पूरा न होने तक एक शब्द भी न बोलने का कारण पूछा। उत्तर में गणेश जी ने कहा, यदि मैं बीच बीच में बोलता जाता तो आपका यह कार्य न केवल कठिन हो जाता बल्कि भार बन जाता। संयम का प्रथम सोपान है वाक संयम। जो वाणी का संयम नहीं रखता उसके अनावश्यक शब्द उसकी प्राण शक्ति को सोख डालते हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान रहा है। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयम करके अपने वश में करना ही मौन व्रत कहलाता है। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के सारे गुरुकुल खत्म कैसे हो गए और कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था नीचे चली गई? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि 1850 तक इस देश में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय लगभग 7,50,000 गांव भी थे। इसका मतलब कि हर एक गांव में औसतन एक गुरुकुल था। लेकिन दोस्तों, 1850 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत गुरुकुलों को बंद करा दिया गया और गुरुओं को मारा पीटा और जेल में डाल दिया गया। वैसे दोस्तों, अगर आज भी हमारे देश में प्राचीन गुरुकुल होते तो क्या होता कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी हो सकती है। मरने वाले को अगले जन्म में कोई कष्ट नहीं भोगना पड़े, इसी कारण सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आप इन सब बातों में यकीन करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों के मुंह से यह सवाल पूछते हुए जरूर सुना होगा कि पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा। तो आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब अब मिल गया है, लेकिन इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस सवाल का सही जवाब है कि पहले मुर्गी आई थी, क्योंकि अंडों की कोशिकाओं को बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है वो सिर्फ मुर्गी ही बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई आपसे यह सवाल पूछे तो आप इसका जवाब इसी फैक्ट के साथ देना। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उसके मुंह को काले कपड़े से ढक दिया जाता है,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो दोस्तों, फांसी के समय मुंह को काले कपड़े से इसलिए ढका जाता है ताकि मरते समय उसका तड़पता हुआ चेहरा किसी को ना दिखाई दे, क्योंकि इस दृश्य को देखने वाला कभी उसके चेहरे को भुला नहीं पाएगा। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक्सपायर हुई दवाई को खा लें तो क्या होगा? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फ़ायदा बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन दवाई से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोई दवाइयां तो ऐसी भी हैं जो एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी से कुछ समय पहले ही एक्सपायरी डेट लिख देती है, ताकि एक्सपायर होने के बाद भी उसे कोई खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा कुछ ही कंपनियां करती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट से जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने ट्रेन के लास्ट बोगी के पीछे ये क्रॉस का निशान तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्रॉस का निशान क्यों बना रहता है? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन के लास्ट बोगी के पीछे जो क्रॉस का निशान बना रहता है वो ट्रेन के आखिरी कोच को दर्शाता है, जिसको देखकर रेलवे कर्मचारी पता कर लेते हैं कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है। लेकिन यदि क्रॉस का निशान ट्रेन पर नहीं दिखाई देता है तो माना जाता है कि ट्रेन पूरी नहीं आई है। ऐसे में तुरंत आपातकालीन कार्यवाही शुरू की जाती है। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।